नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल परिमल फाइव स्टार में आप सभी का स्वागत है। सुबह सुबह नहा धो के रेडी हैं क्योंकि मकर संक्रांति का त्यौहार है और मकर संक्रांति के त्यौहार में सुबह सुबह नहाना चाहिए और सुबह सुबह नहा के तिलकुट भी खाना चाहिए। तो आज से मकर संक्रांति का शुरुआत होता, आज है चाड़ी। तो आज हम लोग अभी नहा धो लिए हैं, अब जाएंगे तालाब या तो बाजार जाएंगे और लाएंगे मछली, और उसके बाद आज मछली भात खाने का त्यौहार है। तो सभी को मेरे तरफ से मकर संक्रांति की आगामी हार्दिक शुभकामना अभिनंदन। आप सभी मकर संक्रांति में खुश रहे, आपका परिवार खुश रहे। तो आइए आज हम लोग मछली लाएंगे बाजार से और साथ ही साथ मछली का कौन सा मछली मिलता है देखते हैं और उसका रेसिपी बनाएंगे लाइव आप लोगों के सामने। तो वीडियो पे अगर नए हैं तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह का ब्लॉग जो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। हाय गाइस, फाइनली मछली ले आए हैं बाजार से, एकदम प्योर देसी मछली देख पा रहे हैं। 1 किलो 800 ग्राम देसी मछली ले आए हैं। अब इसको बनाएंगे हम घर में, पीस देख सकते हैं देसी मछली तालाब का। तो मछली को हम पीस करने जा रहे हैं, पीस करके फाइनली अच्छा से धो लेंगे, उसके बाद इसका जो रेसिपी बनाएंगे आज एकदम विदाउट प्याज लहसुन का बनाएंगे। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। साथ साथ इस वीडियो मछली का पीस हो चुका है, देखिए बहुत सारा हो गया है गमला। अब इसको बढ़िया से फ्रेश से धोएंगे और इसको भूंजेंगे। आप बोल मछली को फ्रेश से धो लेंगे। मछली फ्रेश से धो लिए, सफेद हो गया, देखिए पूरा सफेद हो गया, प्योर देसी मछली है एकदम। तो मछली को अब एक एक करके भून रहे हैं, देखिए थोड़ा लाल होगा तो निकालेंगे।
ये मेरा छोटू शुभजीत इधर है, मछली को हम लोग अब फाइनली भूंज लिए हैं। देखिए मछली भूंजना कंप्लीट हो चुका है, अब इसका ग्रेवी बनाएंगे विदाउट प्याज लहसुन का। तो विदाउट प्याज लहसुन का ग्रेवी बनाने के लिए क्या क्या लगता है आप लोग लाइव देखिए। सबसे पहले देंगे हम सूखा मिर्च, उसके बाद देंगे पाँचफड़ंग, देंगे जैसे लाल होगा इसमें मिर्च मसाला जो पीस के रखे थे, अदरक जीरा बल्की मसाला हमने डाल दिया। मसाला में अदरक है, हरी मिर्च, जीरा और बल्की का पेस्ट जो पीस के रखा था पहले से ही। अब इसके अंदर जाएगा पिसा हुआ टमाटर, उसके बाद जाएगा हल्दी, उसके बाद अच्छा तरह से मसाला पक जाएगा, उसके बाद देंगे हम पानी। और जब रेसिपी ग्रेवी कंप्लीट हो जाएगा उसके लास्ट में हम मछली को डाल देंगे। ग्रेवी को बना रहे हैं, चलिए मछली का ग्रेवी रेडी हो चुका है। ग्रेवी जो है वो पतला बन रहा है, पतला ग्रेवी बनाया है। अब इसमें डालेंगे मछली, कितने सारा मछली को डाल देंगे, मछली डाल देते हैं, मछली को डाल दे रहे सारा। अगर अब चावल के साथ इसको सर्व करेंगे, ये विदाउट प्याज लहसुन का है। इसमें डालेंगे हम धनिया का पत्ता ऊपर से, थोड़ा सा धनिया का पत्ता बाद में देंगे, मगर इससे पहले हम एक और चीज डालना चाहते हैं, सरसों। जो सरसों को हम भून के रखे थे और उसका पेस्ट बना के रखे थे, सूखा पेस्ट, देखिए सूखा बना के रखे हैं, उसमें इसको डाल देंगे। ये आपका जिस तरह मीट मसाला का काम करता है, गर्म मसाला का काम करता है, वो काम करेगा इसमें। कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ अगर और प्याज लहसुन का आपको रेसिपी बनाना है, खाना है, तो इस रेसिपी का आपको यूज कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी होने वाला है।